वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर स्पेसिंग की जो क्लासेज है वो किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। सो स्पेसिंग की जो हमारे पास जो है वो दो चीजें आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मार्जिन और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो पैडिंग आ जाती है। तो ये दोनों चीजें अप्लाई करने के लिए हमें मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो इनकी क्लासेज जो है वो मिलती है। सो मार्जिन अप्लाई करने के लिए मार्जिन वो होता है कि हमने किसी भी एलिमेंट को जो है वो आउटसाइड डिस्टेंस जो है वो देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये ऊपर वाले पैराग्राफ्स तक इसको जो है वो मार्जिन जो है वो बोलते हैं। और अंदर उसके बाद जो पैडिंग होती है वो होती है इनर डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक समझ लेते हैं कि ये जो सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक डिव के अंदर जो है वो लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है और इसके दरमियान जो फासला है उसको जो है वो हम पैडिंग जो है वो बोलते हैं। तो मार्जिन अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो क्लास है वो होती है एम, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मार्जिन के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज है, सबसे पहले है जीरो, उसके बाद 1, 2, 3 एंड देन जो उसके बाद जो वैल्यूज है 1 जो होती है वो 0.25 रैम के इक्वल होती है, इसी तरह जो 2 होती है वो हमारे पास 0.5 रैम के इक्वल होती है, जो 3 होती है वो 1 रैम के इक्वल जो है वो होती है, अप टू सो ऑन। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैडिंग आ जाती है, तो पैडिंग अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास जो क्लास है वो है पी, एंड देन उसके बाद हमने जो वैल्यू लिखनी है मतलब साइज जो हमने देना वो हम दे देते हैं। एंड उसके बाद अगर हमने किसी साइड के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है मार्जिन या पैडिंग तो वो भी जो है वो हम चूज कर सकते हैं। तो मार्जिन टॉप अगर हमने अप्लाई करना है या पैडिंग टॉप अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर मार्जिन टॉप अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे एम टी। एंड देन उसके बाद अगर हमने पैडिंग टॉप अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो क्लास यूज करेंगे वो होगी पैडिंग टॉप। इसी तरह अगर हमने बॉटम से अप्लाई करना है मार्जिन या पैडिंग तो उसके साथ हम मार्जिन के साथ बी लगा देंगे और पैडिंग के साथ भी जो है वो बी लगा देंगे। तो अभी हम वीएस कोड में जाते हैं और वहां पे इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है मार्जिन पैडिंग डॉट एस सी एम एल, एंड देन यहाँ मैंने एक कंटेनर की जो क्लास होती है बूटस्ट्रैप की मैंने वो डाल दिया और फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो दो डिव है वो डाल दिए हैं बॉक्स नाम से, एंड देन फिर उसको जो मैंने यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर दिया और हाइट अप्लाई कर दिया। सो उसको मैं अपने लाइव सर्वर के जरिए जो है वो ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो बॉक्स है वो इस तरह से जो है वो नजर आ रहे हैं। सो भी हम इनके ऊपर जो पैडिंग और मार्जिन है वो अप्लाई करके जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो हमारा बॉक्स यहाँ पहला वाला बॉक्स है इसके ऊपर जो है मैं मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एम, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोई साइज जो है वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 0.5 रैम का जो मार्जिन हो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2, एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला वाला बॉक्स है उसके ऊपर चारों साइडों के ऊपर जो मार्जिन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि जो मार्जिन की वैल्यू अप्लाई हुई है वो कितनी अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू अप्लाई हुई है वो 0.5 रैम जो है वो अप्लाई हुई है। इसके बाद जो है हम चाहता हूँ कि मैं किसी एक साइड से जो है वो मार्जिन अप्लाई करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लूंगा एम टी, एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ टॉप से जो मार्जिन है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बॉटम से अप्लाई करूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे एम बी जो है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो है अभी बॉटम से जो मार्जिन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम दोनों साइडों पे जो है वो एक ही वैल्यू अप्लाई, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक्स और वाई एक्सिस जो है वो होता है। तो टॉप और बॉटम के जो एक्सिस होता है हमारे पास वो वाई एक्सिस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम वाई टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको टॉप और बॉटम से 2 पिक्सल का जो मार्जिन है मतलब 2 जो वैल्यू है यहाँ पे 0.5 रैम का जो मार्जिन है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट से मार्जिन अप्लाई, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा एम एक्स, एंड देन यहाँ पे मैं जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे 5 जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो है सेंटर में चला जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो जो है वो लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिव एलिमेंट है ये यहाँ सेंटर के ऊपर जो है वो चला गया है। इसी तरह हम जो है वो पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो क्लास है वो है पी की क्लास, और अंदर उसके बाद हम जो साइज अप्लाई करना चाहते हैं वो साइज वहां पे जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो बॉक्स नंबर 2 है इसके ऊपर मैं जो है वो पैडिंग अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा पी, अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे कोई जो साइज है वो यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके इनर साइड पर जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम देख सकते हैं कि कितनी अप्लाई हुई है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 रैम का जो पैडिंग है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। इसी तरह हम टॉप और बॉटम से भी जो है वो पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं टॉप से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पी टी, अंदर इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप से जो है वो पैडिंग अप्लाई हो गई है। इसी तरह मैं जो है वो बॉटम से करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पी बी, अंदर उसको मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको बॉटम से जो पैडिंग है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। सो जब भी हम सिंगल लिखेंगे मतलब पी और एम, तो वो चारों साइडों के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से देना है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट से देना चाहता हूँ मतलब लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा पी एस एंड इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट से इसके ऊपर जो पैडिंग है वो यहाँ के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। सो इस तरह से जो है वो हम मार्जिन और जो पैडिंग की क्लासेज है वो यूज करके अपने एलिमेंट्स के ऊपर मार्जिन और पैडिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।